हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ एक इंडेक्स फंड के बारे में। एंड इंडेक्स फंड फ्रेंड्स, वो भी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। मैं आज आपके सामने एक ऐसे इंडेक्स फंड को रखना चाहता हूँ जो कि जिसमें इतनी क्षमता है कि आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको सिर्फ नाम देख करके निवेश कर लेना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि ये फंड करता क्या है, इसमें होता क्या है, इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है? अगर ये बातें आपको पता होगी तो आप इस फंड के थ्रू आप फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा इसकी बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप इसका फंड का ज्यादा ज्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल पे बने रहिए फ्रेंड्स। एंड अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि उससे कि मेरी मोटिवेशंस बढ़ेंगी एंड मेरी रीच बने बनेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपने कर दिया है तो अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स इसका नाम देखिए आप पहले, निपोन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड्स। इसका काम क्या है फ्रेंड्स? ये 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है जिसको ट्रैक करने की काम करता है। मैं फ्रेंड्स अपनी एंड में, या फिर जाते रहिए आप, कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा कि आपको कब इसमें थोड़े पैसे जब डालेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आप इसमें लॉन्ग टर्म में कभी भी आप पैसे डालते तो फ्रेंड्स आपको इसमें बेनिफिट होता ही। ये देखिए, ये फ्रेंड्स कब से है? 2020 से। अगर आप रिटर्न की बात बोलिएगा तो ये देखिए, ये फ्रेंड्स 2020 में 10 रुपए का, मतलब 10 रुपए की अगर इसकी एनएवी थी, एंड जो कि बढ़ करके आज की डेट में कितनी हो गई फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, बहुत कम टाइम में ही ये डबल हो चुका है। तो इसका रीजन है क्यों डबल होता है। और फ्रेंड्स सिर्फ ये बढ़ता नहीं है, ये घटता भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सिर्फ बेनिफिट पता है और आपको ये नहीं पता है इसके डिसएडवांटेज, तो आपको ओवर द लॉन्ग टाइम में दिक्कतें होंगी। ठीक है गाइस, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये वन सेकेंड प्लीज, ये देखिए, अगर आप पिछले 1 साल में बात करोगे तो इस फंड्स ने निगेटिव रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। इसने कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया। ये 20 का था, आज की डेट में ये 18 पे चल रहा है। लेकिन अब इसकी बेनिफिट क्या है? जरूरी नहीं है कि ये फंड्स फ्रेंड्स कैसे भी रहे, आप इसमें हमेशा पैसे बना सकते हो। इसके टेक्निक्स होते हैं, आप उस टेक्निक्स को प्लीज समझने का, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए एंड मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। एंड फ्रेंड्स हाँ, और एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कोई भी अगर इस फंड के बारे में बता रहा हूँ, निवेश करने के लिए बोल रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग दे रहा हूँ, एजुकेशनल कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसी में निवेश कीजिए, आपकी खुद की लर्निंग होनी चाहिए। आप खुद देखिए कि क्या आपके लिए ये फंड सुटेबल है या नहीं है, क्योंकि हर इंडिविजुअल फ्रेंड्स डिफरेंट होता है। और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर ये सलाह लें कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकते हैं वो आपको बेटर इन्फॉर्मेशन देख दे। बट आपको जैसी जानकारी इकट्ठा करोगे तो डेफिनेटली आपको लाइफ में आगे बहुत हेल्प करेगा और सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप जानकारी पूरी लीजिए। अब देखिए, 1 ईयर में इसकी निगेटिव रिटर्न दी गई है। सिर्फ निगेटिव रिटर्न देख करके आपको भागना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसके मैं रीजंस बताऊंगा। अब 2 साल में अगर आप देखोगे इसकी सीएजीआर तो 21.86% है। 3 ईयर में देखोगे तो क्योंकि ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसीलिए 3 ईयर में ज्यादा कुछ ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब 2 ईयर और 1 ईयर ये आ जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा है 2020 से है ये फंड। अब अपन बात करते हैं, ये देखिए, सबसे पहले बात, अच्छी बात क्या है कि एग्जिट लोड इसमें 0% है। एग्जिट लोड 0% होना बहुत अच्छी बात है कि जो उस फंड में आपको सामने दिख रहा है वही आप जब इसको रिडीम करोगे, बेचोगे, तो आपको वही मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, कई सारे ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा क्या लगते हैं, एग्जिट लोड लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत होते हैं। एंड एक्सपेंस रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, इस फंड को मैनेज करने के लिए कुछ खर्चे लगते हैं जो एएमसी चार्ज करती है अपने इन्वेस्टर से। तो इसका जो है 0.3% है, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि नॉर्मली कई फंड्स हैं जो 1 और 2 2% तक चार्ज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मार पड़ता है इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, तो उसमें फंड में निवेश करते हैं। वेरी हाई रिस्की है,
हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है, इसमें फ्रेंड्स ज्यादा आपको देने की क्षमता लगता है तो ज्यादा गिराने की भी क्षमता रखता है, दोनों है। लेकिन आपको अगर ये मालूम है कि आपको कम कब निवेश करना है कब नहीं करना है, तो आप इस फंड से जरूर फायदा उठा सकते हो। अब चलिए इसमें बात करते हैं कि क्या ये एक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है या सभी सेक्टर में। गाइस नहीं, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है, तो इंडेक्स फंड होने के कारण क्या है गाइस, इसमें आप ये चीज देखोगे गाइस, क्योंकि ये इंडेक्स फंड को ट्रैक करता है, तो आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में 17% है इसके पैसे लगे हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर में 15.3% है, मटेरियल सेक्टर में 12.08% है, एंड कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम में 11.7% है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5.9% है। इसी तरीके से देखोगे आप, अगर इसमें पैसे निवेश कर रहे हो तो इट मीन्स कि आपके जो पैसे हैं ना सभी सेक्टर में आपके चले जाएंगे। एंड अगर कंपनी की बात करोगे तो आप कंपनी नेम भी देख सकते हो फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन भी एक एक कंपनी के बारे में ट्रैक कर सकते हो। आप देखिए सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड में है, KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, अपोलो टायर्स में है, इन सभी कंपनियों में बेसिकली आपके जो फंड्स हैं वो सर्कुलेट हो जाते हैं। एंड ये सारी अच्छी कंपनियां हैं फ्रेंड्स ट्रस्ट में, और इनमें से कोई भी कंपनी अगर मान लीजिए कि 3 4 5 6 कंपनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, तो आपके फंड्स बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसके इंडेक्स फंड की ट्रैकिंग में लेके जाना चाहता हूँ, एंड आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो क्या टेक्निक है जिसके थ्रू आप इसमें निवेश करके सही टाइम पे निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा इस फंड का बेनिफिट उठा सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी, इंडेक्स फंड में अगर आप निवेश करते हो तो क्या होता है कि दिस इज पैसिव म्यूचुअल फंड फ्रेंड्स, ये पैसिव म्यूचुअल फंड की तरह होता है। इसमें जो फंड मैनेजर होता है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन क्या है गाइस, ये क्योंकि ट्रैक करता है और लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि इंडेक्स फंड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो एक्सपेंस रेशियो कम होता है एंड एग्जिट लोड भी नथिंग होता है, तो उसकी वजह से इस फंड में रिटर्न आपको बहुत अच्छे देखने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। अब गाइस मैं आपको इस ये जो फंड है किस पे डिपेंड करता है, एक फंड डिपेंड करता है, ये देखिए मैंने क्या ओपन कर रखा है, निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये स्मॉल कैप 250 है गाइस। अगर आप ये देखोगे तो फ्रेंड्स ये कितना वोलेटाइल है, वोलेटाइल है फ्रेंड्स, ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसमें आपको अप्स एंड डाउन्स दोनों दिखने को मिलेंगे। मैं देखिए कब कहाँ पे आ चुका हूँ, आप देखिएगा कि मैं आज की डेट में जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये तो ये 15 जनवरी है, और ये मैं जो कर्सर ला रखा हूँ आप यहाँ पे देखिएगा, 26 मई 2022 है गाइस। 1 आवर की मैंने इसमें फिल्टर लगा रखी है कैंडल स्टिक्स की। अब आप ये देखिएगा कि फ्रेंड्स ये कितना वोलेटाइल है, अगर ये नीचे जाता है तो कितना नीचे जाता है। तो गाइस नीचे जाता है तो क्या डरना चाहिए? नहीं फ्रेंड्स, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही राइट टाइम होता है जब आप उसमें निवेश कर सकते हो। अब मैं इसमें एक जो है इंडिकेटर ऑन करना चाहता हूँ, इसका नाम है EMA 250। गाइस अगर आपको इसके बारे में पता भी नहीं है, तब भी क्या है कि अगर सपोज कि ये 10% डाउन हुआ, 15% डाउन हुआ, तो फ्रेंड्स इट इज वेरी गोल्डन, अ काइंड ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप उसमें निवेश कीजिए, क्योंकि आपको ओवर द लॉन्ग टर्म में आपको ये हमेशा बढ़ते हुए नजर ही आएगा। और ये अगर इसमें बढ़ रहा है तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपके जो फंड की परफॉर्मेंस है वो भी हमेशा बेटर ही दिखेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है गाइस। अब मैं थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करने के लिए और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए मैं आपको आपके सामने ये 1 वीक की फिल्टर लगाना चाहता हूँ। ये देखिए 1 वीक में इसकी फिल्टर क्या है गाइस, इज इट फैंटास्टिक फंड? देखिए क्या फंड ये फैंटास्टिक नहीं है? ओवर लॉन्ग टर्म में क्या ये नीचे गया है? ओवर लॉन्ग टर्म में बात करें अपन, ये लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही जाता है। तो गाइस अगर ये इंडेक्स फंड जो कि बेस है, जो कि सिर्फ उसको ट्रैक कर रहा है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली ये भी जाने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को ज़्यादा फेस करने के लिए रेडी रहिए एज कंपेरिजन टू अदर फंड, क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल होगा और ये इसमें आपकी जो है प्रोबेबिलिटी भी लेकिन ज़्यादा बनने की हाई है गाइस। अब उसके अलावा मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने एक ईएमए लगा रखा है 200 का, जब भी ये ईएमए 200 के नीचे हो तो इसमें आपकी गुड अपॉर्चुनिटी है, आपको डिस्काउंट पे ही मिल रहा है इसमें निवेश करने के लिए, हाई डिस्काउंट अवेलेबल है, जो कि हम नॉर्मल छोटी छोटी चीजों पर डिस्काउंट ढूंढते हैं, हमें कैपिटल मार्केट में डिस्काउंट ढूंढने का ये बहुत ही अच्छा फायदा
करने का तरीका होता है, आप 200 DMA को लगा सकते हैं 1 आवर में, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ओवर लॉन्ग टर्म में आपका कहीं ना कहीं एक मिडिल रेंज में आपका निवेश होगा और आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है गाइस, जैसे अगर आप देखोगे कि आज की डेट में फंड है जो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, 1 सेकेंड प्लीज, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, तो समवेयर अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे भी फॉल करते हैं तो भी आपको इतने की जंप मिलेगी, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग टर्म मतलब काफी लॉन्ग टर्म, आप इसमें सोच प्लान कर सकते हैं 10 ईयर्स 20 ईयर्स जितने, क्योंकि ओवर द लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा ये कैपिटल अप्रिशिएट करके देगा, एंड रेस्ट इज ऑन योर फ्रेंड्स, आप पे डिपेंड करता है। एंड डेफिनेटली अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, बाय।